गाइज नाउ वेलकम बैक टू माई चैनल। और आप सोच रहे होंगे काफ़ी लॉन्ग टाइम बाद और बहुत ही ज़्यादा फीका फीका रुका रुका नो मेकअप नो लिपस्टिक, यार ये कैसा वेलकम बैक। बट मैं यहाँ पे जो लिपस्टिक शेड लाई हूँ आपके मज़े आ जाने वाले, मतलब ये हमारी स्किन टोन, जैसे कि मेरा डस्की स्किन, जैसे आप कह सकते ब्रिटिश स्किन है मेरी, है ना, हम जैसे कलर वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लिपस्टिक शेड्स को लेकर। यार थोड़ा प्रोनाउंसिएशन मेरा गलत हो रहा है पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। हम जैसे लिपस्टिक शेड को चूज़ करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि भाई देखो क्या होता है ना कि हमारी जो टोन है, स्किन टोन है, उस पर हम ज्यादा बहुत ज्यादा फेयर भी नहीं लग सकते हैं, हम डार्क लग सकते हैं मीडियम साइज में, तो ऐसे लिपस्टिक मतलब सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। मतलब एक लिपस्टिक शेड यानी रेड में भी बहुत सारे कलर आते हैं, तो उसमें सिलेक्ट करना कि हम पे कौन सा कलर जाएगा, यार ये बहुत मुश्किल टास्क होता है। इसके लिए काफ़ी टाइम वेस्ट करना मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बेकार, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ कि आपकी स्किन टोन पे कौन सा बेस्ट कलर लगने वाला है। और इनमें से अगर आप कोई भी एक कलर लगाते हैं, कोई भी आपको ज्वेलरी वेयर नहीं करनी, ओनली कपड़े पहनने हैं और बाल खोलने हैं, लिपस्टिक अप्लाई करने हैं, एंड यू कैन गो नाउ। एंड देखिए भाई बिना देरी करते सीधा आते हैं अपने मुद्दे पे कि जो मेरी लिपस्टिक फर्स्ट होने वाली है, यहाँ पे जो शेड होने वाला है उसका मैं एक बात बता दूँ कि उसको ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स हो गए, मतलब 2.5 साल हो गया है, बट स्टिल नाउ वो वैसे की वैसी है। उसका जो कलर क्या ही कहते, लगा के दिखाती हूँ यार, बोलने में क्या रखा शेड है, वो है लैक्मी एब्सोल्यूट की लिपस्टिक। आई मैंने बताया कि 2 साल पहले लिया था। इसका जो कलर है वो हमारे इंडियन स्किन टोन पे परफेक्ट जाने वाला है, तो मैं दिखा लगा के भी दिखाती हूँ यार ऑन द स्किन सामने ही। आपको एक ही स्टॉक मतलब एक ही लेयर लगाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं बहुत सारा घिसने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ही अप्लाई में बहुत अच्छा तरीके से शेड दे देता है, तो आप देख भी रहे होंगे। इसलिए मैंने पहले ही कोई लिपस्टिक नहीं लगाई कि यार लगा लूँगी तो कैसे पता चलेगा ना। तो ये देखिए भाई ये रूबी, इसका जो शेड है मैं आपको बता दूँ एक बार, रेड एक्सट्रीम करके इसका शेड है। मैं सारा जितना भी लिपस्टिक दिखाऊंगी सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, शेड भी उसके साथ दे दूंगी, अगर आपको कोई भी अच्छी लगती तो आप बाय कर सकते हैं। देख सकते हैं ये वाला लिपस्टिक शेड मेरी स्किन पे बिल्कुल, जो मेरा स्किन टोन है उस हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। और मैं एज अ ब्लश भी इसे यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी क्रीमी फॉर्म में है और इतने भी क्रीमी फॉर्म में नहीं कि बह जाए एक ही बार में, अगर मैं कुछ भी खाती पीती हूँ ऐसा नहीं है कि एक बार में निकल जाता, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ये टिका भी रहता है। और इसे मैं एज अ ब्लश भी कभी एक बार बाहर जाती हूँ तो अप्लाई कर लेती हूँ। ये तो मेरी फेवरेट वन में है। अगर आपकी थोड़ी मतलब किसी की फेयर स्किन आपके घर में या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में भी है जिसे लिपस्टिक चूज करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है, ये वाला शेड मस्ट उसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये परफेक्ट होने वाला है। ये हर स्किन टोन पर जाता है, हमारे स्किन टोन पर तो जाता ही जाता है, फेयर वालों पर भी जाता है। देखिए भाई साफ सीधा मुद्दा यहाँ ये बता दूँ कि आप कितनी भी अच्छी ज्वेलरी पहन लीजिए, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लीजिए, कितना भी अच्छा आप मेकअप लगा लीजिए, कितने भी कॉस्टली आप चीज़ें वेयर कर लीजिए, अगर आपकी लिपस्टिक ढंग की नहीं है तो सब चीज़ें आपकी पानी में जाने वाली है। तो लिपस्टिक चूज करते टाइम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, और इसमें से जो भी आपको शेड लग रहा हो कि मेरे बजट टू रेंज है और प्लस मेरे लिए अच्छा है, वो आप जरूर बाय। ये वाला कलर थोड़ा न्यूट शेड में भी आ जाता है, तो मैं इसे लगा के दिखाती हूँ। ये मैट में है लिपस्टिक ये वाला, तो लिपस्टिक मैंने अप्लाई कर ली, 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसको छोड़ना है, उसके बाद देखिए क्या होता है। ये देखिए बिल्कुल भी टस से मस नहीं होगी, कहीं भी स्मच प्रूफ है, और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगने वाला कि हमने कुछ भी खाया पिया तो वो हट जाएगी, बिल्कुल नहीं हटेगी। थोड़ा बहुत उसकी जो अप्लाई करते हो आप वो हट सकती है इनर कॉर्नर से, आप री अप्लाई कर लीजिए, बट पूरी लिपस्टिक आपकी वैसे की वैसी रहेगी। ये गर्ल्स लुक के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि न्यूड शेड भी देता है और काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लुक भी लग रहा है। यहाँ पर जो थर्ड लिपस्टिक शेड जो मैं बता रही हूँ वो मैं बता दूँ, पहले कंपनी कौन सी, लैक्मे की है, फॉर एवर मैट है, लिक्विड
कलर है ये, तो ये वाले भी मेरी फेवरेट वन में है ऑलमोस्ट। इसको भी इतने ही टाइम हो गया, 2.5 ईयर्स हो गया। आप कहोगे यार इतनी इतनी पुरानी लिपस्टिक आप दिखा रहे हो, मैं लिपस्टिक नहीं दिखा रही, मैं उनके शेड्स दिखा रही हूँ कि आजकल बहुत सारे शेड्स हैं, हम कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो ये वाला शेड जो मैंने आपको दिखाया है ये फॉरएवर रहता है, हमेशा सदा बाहर रहता है, यही शेड्स चलते हैं। बस ये होता है कि ऊपर नीचे थोड़े से उनकी क्वालिटी इंप्रूव होकर आती है, अदरवाइज शेड्स यही चलते हैं। पहले दिखा दूँ आपको, ये वाला शेड है लैक्मे का जो बताया था। नाउ यू कैन सी फाइनल लिपस्टिक का कलर। तो ये सारे कलर मेरे फेवरेट वन में है। मैट लिपस्टिक है तो बहुत ही ईजी अप्लाई करना है, ऐसा नहीं यहाँ लग रहा है वहाँ लग रहा है। और एक चीज़ यहाँ पे ये बता दूँ कि बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन होता है मेरे लिए कि भाई कि हम मैट लिपस्टिक अप्लाई करेंगे तो हमारे होंठ फट जाते हैं या लिपस्टिक बहुत जल्दी हट जाती है और बीच में हमारे वो जैसे लाइन लाइन से होने लगती है, मैट लिपस्टिक बहुत जल्दी सूख जाती है, होंठों को ड्राई कर देती है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैंने ये आपको लिपस्टिक बताई, इससे पहले वाली बताई, ये कंपनी की लिपस्टिक है और कंपनी हमेशा आपको बेस्ट ही देती है, तभी उसके थोड़े पैसे होते हैं। तो इसके अंदर आपको ऐसा क्रीमी फॉर्म भी मिलता है कि जिससे कि आपके होंठों पर ड्राइनेस बिल्कुल भी नहीं लगता, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगता है। ऐसा लगता है कि आपने कोई क्रीम फॉर्म वाली लिपस्टिक जिसे कहते हैं कि जो लिपस्टिक होती है नॉर्मल वो लगा रखी है, यही चीज़ होती है गाइस। पैसे थोड़े से लगते हैं बट क्वालिटी आपको अच्छी मिलती है, आपके लिप्स ड्राई नहीं होते और दूसरा क्या डार्क। यहाँ पे जो मेरी फोर्थ लिपस्टिक होने वाली है वो भी लैक्मे की सेम ही है, लिक्विड मतलब लैक्मे फॉरएवर मैट लिक्विड लिप कलर है ये भी, और इसका जो शेड है वो रेड वाइन 22 है। तो ये लिपस्टिक मुझे पसंद आई थी जब मैंने इसे बाय करी थी। हो सकता है कि ये कलर मुझ पे ज़्यादा सूट ना करे, फेयर स्किन वालों को करे, या आपको ये कलर पसंद आया तो मैंने इसे ऑप्शन में रख लिया। अगर आपको अच्छा लगता तो आप बाय कीजिएगा इसको। तो ये वाली जो लिपस्टिक शेड है ना मुझे ऐसी ही लगती है, मतलब कि ठीक है ओके है, अगर मुझे लगता है कि बोर हो गई तो मैं देन इसको अप्लाई कर लेती हूँ। बट अगर आपको लग रहा है कि आपकी थोड़ी फेयर स्किन है या आपको ऐसे वाइन शेड्स अच्छे लगते हैं तो यू मस्ट बाय इट। और आप देख सकते हैं कि ये कलर इसका ऐसा है तो आपकी चॉइस है। यहाँ पर मेरी फिफ्थ लिपस्टिक होने वाली है मी ऑन या नाम ही कैसा है ना, मी ऑन, मैं ऑन हूँ। तो इस कंपनी का जो नाम है मी ऑन ही है ये देखिए, और इसका जो कलर है सुपर स्ट्रे 02 ग्लैम रेड है ये भी, बट ये कहने में रेड है पर ये रेड है नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको। मैं ज़्यादा लिपस्टिक मतलब मुझे लगता है अगर उसकी ज़्यादा लेयर लगाऊँ तो उसका कलर अच्छा आएगा, बट मैं बहुत ज़्यादा लाइट लिपस्टिक पसंद करती हूँ, एक ही मैं लेयर पसंद करती हूँ, तो मैंने यही दिखाया है। ये देखिए, ये भी लिपस्टिक मेरी फेवरेट वन में है और इसका जो कलर है थोड़ा सा पिंक लुक है मतलब, और थोड़ा शिमरी है, इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये थोड़ा शिमरी लुक है। अगर आप इसको लगाते हैं तो हल्की सी ना इसे कहते हैं कि स्पार्कली लुक आता है, वो थोड़ा लिप्स पे आपके शेड पे आता है। तो ये रेड तो नहीं, थोड़ा सा पिंक शेड है ये। और गाइज मैंने अपने फेवरेट लिपस्टिक शेड जितने थे आपको दिखा दिए, जो कि मेरे फेवरेट वन में थे, और भी हैं लेकिन वो मुझे नहीं पसंद है, उसका वीडियो कभी और बनाऊंगी कि वो मैंने बाय क्यों करा था, क्यों पैसे खर्च करें। जो मेरे फेवरेट वन में थे वो मैंने आपको सारे दिखा दिए यहाँ पे। अगर आपको कुछ लगता है कि भाई ये मेरे बजट टू रेंज है या ये लिपस्टिक मुझे चाहिए या मैं स्किन टोन पर चाहता है, मेरी लिपस्टिक ये थी, अगर आपको कुछ समझ में आता है कि भाई हाँ ये मेरे स्किन टोन पे ज़्यादा, ये मेरे बजट टू रेंज है, या ऐसी लिपस्टिक मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी पर पूजा का वीडियो देख के समझ में आ गई, तो ज़रूर बाय करना, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ जाके चेकआउट कर लेना। और भाई प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, मैं हर बार बोलती हूँ आपको, अपना प्यार बनाए रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल गाइज, बाय।